आज क्यों नहीं लिया? और नीतीश कुमार जी 16 सालों से आप हैं, जब आपकी सुनता नहीं है और अपमानित करता है तो फिर आप साथ में क्यों हैं? कुर्सी के लिए कब तक बिहार को नाश कीजिएगा? चैलेंज करके छोड़िए और बिहार के जनता के बीच जानी चाहिए। ने स्पष्ट कहा है कि शराब माफियाओं की संपत्ति और बड़े लोगों की संपत्ति और नेताओं की संपत्ति जांच नहीं होती है। 6,46,000 गरीब लोगों को जेल भेजा गया है, एक भी माफिया और नेता जेल क्यों नहीं जाते? एकदम सही बोला माजी। सरकार कंपलसरी कर दिया। क्लियर है, अविलंब अजय टोनी को बर्खास्त करना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे, कोई उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम लोग इसको लेकर के लगातार कैंपेन चला रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि 56 इंच सीना को हो किया गया। SIT की रिपोर्ट आने के बावजूद और जिस तरीके से पत्रकार के साथ उन्होंने गाली गलौज किया, क्रिमिनल एक्टिविटीज उसकी रहती है। दूसरी तरफ मुझको समझ में नहीं आता है कि BJP नीतीश कुमार को गाली के चलते बिहार के 14 करोड़ को अपमान कैसे कर सकती। फड़क्का बाढ़ के सवाल पर बैकफुट पर BJP भेज दिया बिहार को। पैसा मांगा गया, बोला नहीं देंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना पर मांगा गया, बोला नहीं देंगे। जाति जनगणना की बात आई, उस पर रिफ्यूज कर दिया। विशेष राज विशेष पैकेज पर रिफ्यूज कर दिया। GST का पैसा बिहार को नहीं देंगे। पूंजी निवेश की बात आई तो नहीं देंगे। इंडस्ट्री पॉलिसी पर बात आई कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आप पैसा दें, उस पर नहीं देंगे। किसानों के सब्सिडी का सवाल आया, अभी 1500 लगभग फैक्ट्री धान के बंद हो गया, 1500 बंद होने की स्थिति में नेपाल मेरा धान जा रहा है, उस पर कुछ चर्चा नहीं। तो बिहार से इतना नफरत क्यों है BJP को? गंगा में डुबकी और काशी या मथुरा वृंदावन करने से दुनिया नहीं चलेगा। सवाल है बेरोजगारी का, दुनिया का सबसे सुन पर इंडिया है। बेरोजगारी के मामले में हम सबसे नीचे ऊपर जा चुके हैं वर्ल्ड में। गरीबी पर चर्चा करने को तैयार, खाद की स्थिति यह है कि आप अभी तक लाठी चलती है। हम तो चाहेंगे कि इन BJP वाले को किसी गांव में ढुकने नहीं दिया जाए। नीतीश कुमार को आपको अपमानित करना है ना, आप करते रहिए, आप लड़ते रहिए। आप नीतीश कुमार, जब दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश हम हैं और मानव सूचकांक सबसे कम पैसा इनकम ऑफ हुए हम पर कैपिटा इनकम बिहारियों का है, तो फिर यह विशेष राज क्यों नहीं? और यह हाल पैदा कौन किया? BJP और लालू यादव जी। लालू यादव जी कहते थे कि मेरे लास्ट पर बिहार बटेगा, मैं मर जाऊंगा तब बिहार बटेगा। तो BJP को चाहिए था झारखंड, वहां मुख्यमंत्री बना लिए। यहाँ लालू यादव जी को चाहिए था। और आज जब विशेष राज की बात आती है, लालू यादव जी भी किंग मेकर थे, गुजरात और देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाए।